दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर देखा गया है। फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है और एक लोग जख्मी बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली के इलाके में ये फायरिंग हुई है। 40 साल के आकाश और 16 साल के ऋषभ की मौत हो गई है। दिल्ली का फर्श बाजार इलाका, जहां पर दिवाली की रात डबल मर्डर हुआ, फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। 40 साल के आकाश और 16 साल के ऋषभ की मौत हो गई है, एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रही है। दिवाली की रात ये फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोग आए और सरेआम फायरिंग कर वहां से निकल गए। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके की यह पूरा हादसा बताया जा रहा है। डबल मर्डर से फिलहाल पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुरानी रंजिश में तीन लोगों को गोली मारी गई, दो लोगों की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। 40 साल का आकाश और 16 साल के ऋषभ की मौत हो गई है। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये लोग वहां पहुंचते हैं और पहले मुलाकात करते हैं और उसके बाद सरेआम फायरिंग कर दी जाती है। दोनों लोगों पर फायरिंग करते हैं। दो लोगों की मौत हो चुकी है और एक शख्स जो है इसमें जख्मी बताया जा रहा है। 40 साल का आकाश और 16 साल के ऋषभ की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में सरेआम दिन दिहाड़े दिवाली की रात को फायरिंग होती है। फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। 40 साल का आकाश और 16 साल के ऋषभ की मौत हुई। पुरानी रंजिश के चलते तीन लोगों को गोली मारी गई। हालांकि अब पुलिस जांच कर रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ चुका है और लोगों के चेहरे भी सीसीटीवी में साफ नजर आ रहे हैं। अब पुलिस जांच करेगी और आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीर जब पुलिस वहां पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दिवाली की रात को ये लोग वहां पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और सरेआम एकदम से फायरिंग कर वहां से फरार हो जाते हैं। तीन लोगों को गोली मारी जाती है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। 40 साल का आकाश और 16 साल के ऋषभ की और एक शख्स इसमें जख्मी बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया। तो दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पूरा इलाके में इस समय दहशत का माहौल है क्योंकि दिवाली की रात जब सब लोग दिवाली का पर्व मना रहे थे, इसी समय दोनों लोग जो हैं वो बाइक पर आते हैं और पहले मुलाकात करते हैं और उसके बाद सरेआम फायरिंग करते हैं। तीन लोगों पर गोली चलाई जाती है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है, 40 साल के आकाश की और 16 साल के ऋषभ की और एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। तो दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुरानी रंजिश में तीन लोगों को गोली मारी दिवाली की रात जब सब लोग दिवाली मना रहे थे और इसी दौरान ये दो शख्स पहुंचते हैं बाइक पर, पहले मुलाकात करते हैं लोगों के साथ, फिर उसके बाद सरेआम फायरिंग कर देते हैं। तीन लोगों को गोली मारी जाती है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक जख्मी है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जब सब लोग दिवाली का पर्व मना रहे थे उस समय इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया, पुरानी रंजिश थी, क्या बता रही है पुलिस और क्या सीसीटीवी में ये शख्स ट्रेस हो पाए हैं? देखिए, फोटो सीसीटीवी में आ गया है और जहां तक बात रही मृतकों की तो 16 वर्ष और 40 वर्ष उम्र है। रंजिश बताई जा रही थी कि रात को दिवाली मनाई जाएगी, सब जगह तो पटाखों का ठोर था, उसी चीज का फायदा लेकर के जो शूटर थे वो वहां आए, 4-5 राउंड पहले शूट किए और फिर जो आकाश शर्मा और उनके बेटे कृष शर्मा और बती वो दिवाली गए और 5-6 राउंड चलाए जिसमें एक को गोली लगी, घायल हुआ, दो की मौत हो गई। लोग आए और लोग ने उनको पहले वहां पर स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर मृत उनको घोषित कर दिया गया। फिर पुलिस वहां पहुंची, अभी फिलहाल जो हत्या हैं उनकी धरपकड़ जारी है और ये एक
एक बात और कही जा रही है कि जो शूटर था वो पहले वहां आया, उसने पांव से आंसू बांध लिया तो गोली चला दी। यानी कि वो पहले से जानते थे, उनके परिवार का विवाद पहले से था और दिवाली त्योहार का आड़ लेकर के वो वहां पहुंचे और वहां पर इस तरीके की वारदात को दे दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी।